छोटी सी वीडियो भी आपको इसके साथ ऐड कर दे रही हूँ कि ये नेल पेंट देखने में कैसा है। फ्लैश लाइट में आपको पता चलेगा। तो ये रेड कलर आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर का भी रिक्वेस्ट था। प्राइस 299 रुपये है, ये ऑफ़र में मुझे 220 रुपये में पड़ा था। बाकी कलर्स यहाँ पे हैं, हो कलर्स आज मैं लगाने वाली हूँ। नेल पेंट जो है वो ना 3 ml का है, ये जितने भी हैं 3 ml के हैं। और ये है रेड कलर, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सक्लूसिव बाय माई ग्लैम, और यहाँ पे मिल जाता है परफेक्सो नेल पॉलिश। तो चलिए इसको ही आज लगाना शुरू करते हैं। उसके पहले आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल न्यू है, एक बार भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। देखिए रेड कलर की नेल पॉलिश वैसे आमतौर पर देखा जाए तो सभी को पसंद है, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो गांव की हीरोइन हो या शहरों की हो। ठीक है, लड़कियों से लेकर के वोमेंस या फिर अगर बूढ़ी औरतों की बात करें तो वो लोग भी लाल रंग का नेल पॉलिश लगाते हैं, और मैं भी आज लगाने वाली हूँ। वैसे तो ये मेरा सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था। मेरे नाखून ना बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेरंग हो गए हैं। तो इसको मुझे रंगना है लाल रंग से, लाल खूनी रंग जो होता है ना, वही वाला कलर है ये नेल पॉलिश का। इसको आज मैं लगाऊंगी अपने दोनों पैरों के नाखून में, हाथ में लगाऊंगी, लेकिन हाथ में लगाते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब और कोई वीडियो आएगी तो आप तो देख ही लीजिएगा। वैसे जो मेरे नाखून है ना, एकदम अंदर तक अगर उंगली करने लगूँ ना तो उसमें से बहुत गंदा निकलता है। मतलब साफ़ तो करती हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर होता है, मैं ज़्यादा उंगली डाल के नहीं मतलब निकालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वहाँ के नाखून डैमेज होने लगते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, इसलिए भी मैं ज़्यादा उंगली नहीं करती हूँ। चलिए अभी मैं आपको नेल पॉलिश लगा कर दिखाती हूँ। ये वैसे नेल पॉलिश जो है आप देख रहे हैं माइग्लेम का परफेक्सो, इसमें आपको ढेर सारे कलर तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको रेड कलर का दिखा रही हूँ। पहले जो मैं आप लोगों को नेल पॉलिश दिखाई थी, अलग अलग कलर्स थे, उसकी क्वालिटी क्या थी सब कुछ बताई थी। वैसे इसकी भी क्वालिटी सारी, जितने भी मतलब परफेक्सो की जितनी भी नेल पॉलिश हैं उसका जो क्वालिटी है सेम ही होना चाहिए, लेकिन पता है इसमें जो मैं ग्रीन कलर का नेल पॉलिश लगाई थी ना, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चला था, पता नहीं क्यों। मैं लगाई थी अपने मायके जाने से पहले, काफ़ी दिन तक टिका था मेरे पैरों में, मुझे छुड़ाना पड़ा। अभी मैं अभी जस्ट सावन में लगाई थी, आप लोगों को भी दिखाई थी ग्रीन कलर की साड़ी के साथ, उस वक्त भी मेरे नेल पॉलिश काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग चली। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये परफेक्सो ही है, क्योंकि इसके पहले जब मैं लगाई थी ना तो उतना अच्छा मतलब ज़्यादा देर तक टिका नहीं था। और आज वैसे आज भी मैं आपको 2 कोट ही लगा कर दिखाऊँगी, और जल्दी जल्दी लगाऊंगी, जल्दी जल्दी लग भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता ना कि मैं बहुत धीरे धीरे लगाती हूँ या फिर लंबी काफ़ी वीडियो बन जाती है। आज आपको ज़्यादा भी लंबी नहीं मिल रही है, खैर मेरी वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन आज 12 मिनट की आपको मिल रही है, 20-25 तो नहीं मिल रही है ना, 17-18 तो नहीं मिल रही है, मतलब इतने सारे मिनट की वीडियो। एक पैर में लगा चुकी हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मेरी उंगलियाँ काफ़ी जल्दी मतलब चिपक जाती है एक दूसरे से, तो नेल पॉलिश जो है छोटी उंगलियों की ना ऐसे चिपक के ना वहाँ से हट जाती है, तो मुझे फिर से लगाना पड़ता है। अभी देखिए मैं दूसरे पैरों के नाखून में लगा रही हूँ। वैसे तो मैं ऐसे पैर करके लगाती नहीं हूँ नेल पॉलिश, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों को दिखाना भी तो है कि मैं कैसे लगा रही हूँ, कैसा लग रहा है। और अभी ये न्यू बोतल है, अभी मैं पहली बार यानी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इस नेल पॉलिश की, मैंने यूज़ भी नहीं की है। हाँ, जो आपको अभी मैं शुरू में किट दिखाई ना, उसी में का मैं ग्रीन कलर यूज़ करी थी नाखूनों में गर्मी छुट्टी के पहले और फिर, यानी 2 टाइम हो चुके हैं, और अभी उसी में से एक रेड कलर यूज़ करी हूँ। चलिए पीछे जाइए, यानी फर्स्ट में वीडियो में देखिए, उसमें और भी कलर्स हैं, जैसे कि उसमें एक वाइन का कलर है, एक गोल्डन है और एक सिमर है, यानी उसमें वो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तीनों में से आपको अभी इसके बाद आपको कौन सा कलर देखना है वो आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट मैं वही लगाऊंगी। वैसे मेरा तो मन गोल्डन कलर का लगाने का बहुत कर रहा है कि मैं गोल्डन कलर का लगाऊं। वैसे आप लोग बताइएगा कि आपका क्या मन है, वही कलर मैं लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए 1 कोट अप्लाई हो चुका है दोनों पैरों के नाखूनों में,
और वन कोट में ना बिल्कुल भी इसका पिगमेंटेशन अच्छा नहीं होता, अच्छे से दिखता नहीं है ये, तो मुझे हर बार डबल कोट लगाना पड़ता है। तो अभी फिर से मैं देखिए दोबारा कोट लगाऊंगी, जब मैं एक पैरों में लगा लेती हूँ और दूसरे पैरों में लगाती हूँ तब तक जो पहले पैर में लगाई थी पैर के नाखूनों में वो सूख जाता है थोड़ा, तो डबल कोट लगाने में फिर ठीक ठाक रहता है। फिर यही वही प्रोसेस कर रही हूँ, मैं फिर से लगा रही हूँ डबल कोट। वैसे तो नेल पॉलिश लगाने के और भी बहुत सारे नियम कानून हैं, जैसे कि आप पहले कोट अप्लाई करिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके बाद कोई कलर अप्लाई करिए तो बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि दीवार पे प्राइमर लगाया जाता है उसके बाद कलर चढ़ाया जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ना देखने में, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो उसी तरह से भी बोला जाता है कि आप उस तरह से भी नेल पॉलिश लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले लोग डायरेक्ट नेल पॉलिश ही लगा लेते हैं, तो मेरा भी वही चीज़ है, मैं पहले डायरेक्ट नेल पॉलिश ही लगा लेती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि पहले ट्रांसपेरेंट लगाऊंगी, तो मैं जितने भी नेल पॉलिश है ना मैं फ्रिज में रखा करती हूँ, तो अभी जब मैं फ्रिज खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरा जो ट्रांसपेरेंट वाला नेल पॉलिश की जो बोतल है, ठीक है, नेल पॉलिश, वो आधा ढक्कन खुला हुआ है, उसमें से बाहर निकला हुआ है ट्रांसपेरेंट, और वो पूरा जम गया है, मतलब उसमें पूरी हवा लग गई, पूरी सूख गई। और मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर ये किसने किया, पता है किसने किया, मेरे घर में मेरा बेटा है जो कि हमेशा मेरी नेल पॉलिश या फिर और भी कुछ चीज़ें चेक करते फिरता है, क्योंकि जैसे मैं पार्लर चली जाती हूँ तो वो जब भी देखेगा कि घर में हाँ कोई नहीं है, तो बच्चों का दिमाग खुराफाती होता है, जब गार्जियन नहीं होते ना तो ये छूना वो छूना, ये करना वो निकालना वो लगाना, ऐसे ही करता है। मेरी काफ़ी सारी नेल पॉलिश इसने छू करके कभी ज़मीन में लगाई है, कभी फ्रिज में ही लगा दी है, इस तरह से उसने काम किए हैं, तो मुझे पता है कि उसी ने किया है। चलिए बात करते करते डबल कोट अप्लाइड भी हो गए, तो वो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश मेरा ख़राब हो गया, सूख गया, तो उसको मैं अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले फेंकी हूँ। और देखिए दोनों पैरों में नेल पॉलिश लग गई है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो एक्सक्लूसिव बाय MyGlam, क्योंकि देखिए MyGlam ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो MyGlam पर ही आपको ये नेल पॉलिश मिलती है। वैसे आपको अदर साइट पे भी मिल जाएगी, जैसे आप मीशो से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, पर्पल से भी मिल सकते हैं, अलग अलग ऑफ़र में आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाएगा। वैसे ये वाला जो नेल पॉलिश था अभी MyGlam पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मतलब नहीं है वहाँ पे, आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब ये आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा है कि हाँ आप नोटिफाई करिए, आपको अगर नेल पॉलिश मंगानी है फिर से तो नोटिफाई करिए, है ही नहीं, पूरी ख़त्म। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ये वाली नेल पॉलिश मेरे पास भी है, तो उन्होंने उसकी पिक्चर भेजी स्क्रीनशॉट करके, तो मैं बोली कि वो कोई और ब्रांड का है भाभी, ये मेरा कोई और ब्रांड का है, और फिर वो बोली कि मेरा तो 124 रुपए का ही था, 143 का ही शायद बता रही थी, तो मैं बोली कि नहीं ये तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ा, 220 रुपए मैंने दिए हैं, तो इस पर काफ़ी डिस्कस भी चल रही थी हम लोगों की। तो फिर मैं जब ध्यान से देखी ना उनका जो फ़ोटो मुझे भेजी थी, तब मैं ध्यान से देखी कि अरे ये तो दूसरी कंपनी की है, तो बोली कि मैं बोली भी कि देखिए भाभी वो दूसरी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है। और आजकल जैसे कि मैं तो सबसे पहले MyGlam का ये देखी थी, उसके बाद मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि हाँ और भी अलग अलग ब्रांड के उस तरह से नेल पॉलिश, जैसे ये है ना 5 कलर में एक डब्बे में पैक होके आई है, वैसे ही और भी अलग अलग ब्रांड इस तरह से नेल पॉलिश जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। वैसे 3 ml का है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 टाइम आप लगा सकते हो, दो दो कोट, मतलब दोनों पैरों में और दोनों हाथों में लगा सकते हो, 3 times आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपका नेल पॉलिश नहीं चलेगा। क्वांटिटी बहुत कम है, थोड़ी सी तो बड़ी होनी ही चाहिए थी, क्योंकि हम लोग इससे भी अच्छा नेल पॉलिश खरीद लेते हैं मार्केट जाते हैं तो, और अच्छी भी चलती है। वैसे एक बार मैं पार्लर में रखी थी तो एक पर्पल कलर का सेट था, जो आपको पूरा सेट दिखाई थी, मैं लाइट कलर थे, जो मेरे सब्सक्राइबर को पसंद भी नहीं आया था कि मैम आप लाइट कलर वगैरह नहीं लगाया करी डार्क कलर, तो वो जो लाइट कलर वाला था ना पूरा सेट, वो मैं अपनी भाभी को दे दी थी, आप लोगों को एक वीडियो में भी बताई थी कि वो मैं पूरा भाभी को दे दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे वो कलर पसंद नहीं थे, सब मुझे पसंद थे,
लेकिन मैं उनको भी दे देती हूँ कि वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वीडियो वगैरह बनाने में, या फिर मुझे सुझाव भी देती है कि आप ऐसे वीडियो बनाइए। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना बिना मेकअप के या फिर ऐसे ही या फिर अपना चेहरा ही नहीं दिखाती हूँ, तो बोलती है कि आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए और फिर वीडियो बनाइए, और भी कुछ सुझाव देती हैं वीडियो के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं करती हूँ ना सच में व्यूज़ भी आने लगते हैं तो मैं उनकी बात मानती हूँ। वैसे तो ये जो नेल पॉलिश का सेट था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मेरे तरफ से जो बना मैं उनको दी नेल पॉलिश का पूरा सेट। वैसे वन टाइम तो मैं सारा यूज़ कर चुकी थी, मतलब वन टाइम मैं लगाई थी दोनों पैरों में, आप लोगों को भी पता है। वो मैं दे रही हूँ भाभी को, जो मेरी बड़ी वाली भाभी है, जिनकी काफ़ी सारी आपने आलता की वीडियो भी देखी है, वो मुझे लगाती है या मैं उनको लगाती हूँ। नोज़ पिन वो मुझे पहनाती हैं और मैं उनको पहना रही थी। ऐसी भी काफ़ी सारी वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे उनके साथ। मैं अपना प्लांट दिखा रही हूँ, पिंक कलर का है रोज़, और यहाँ पर मैं लगाई हूँ रेड कलर का। तो मेरी ना वो भाभी सारी वीडियो देखती हैं, कुछ कमी रहता है तो फ़ोन करके ज़रूर बताती हैं कि आपकी वीडियो में ये है। और पता है मेरी भाभी मुझे तो निर्मल ही बोलती हैं, क्योंकि मेरा घर का नाम निर्मल है, वहाँ पे मुझे सब लोग निर्मल ही बोलते हैं। वैसे बता दूँ एक सीक्रेट बात जो लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए मेरा एक नया चैनल है और उसका नाम भी मैं रखी हूँ निर्मल नोज़ रिंग, क्योंकि वहाँ पर ना स्पेशली केवल नोज़ रिंग की ही वीडियो आती है। तो अगर आप लोग नोज़ रिंग में इंटरेस्टेड हो, नाक का नथिया में, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से बता दे रही हूँ निर्मल नोज़ रिंग, यही नाम है चैनल का। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा, और वहाँ पे मैं लाइव भी आती हूँ। बस शर्त ये रहेगी आप लोगों को गलत कमेंट नहीं करना होगा, तो मैं आपकी बातों का जवाब दूँगी, लाइव कंटिन्यू आऊँगी, जो आपका रिक्वेस्ट है जो आपका सुझाव है सब कुछ सुनूँगी, ठीक है। बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट नहीं करना है। देखिए मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कमेंट करिए जिससे मुझे अपने समाज में शर्म का सामना न करना पड़े, ठीक है। आप लोगों के इतने कुछ कुछ ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, लज्जित महसूस करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।